So hey guys, welcome to the channel, welcome to the another video and a very very good morning. इस time time हो रहा है 9 o'clock और बच्चे just now उठे हैं. अभी उनकी winter breaks चल रही है, holidays चल रही हैं तो वो थोड़ा late ही उठते हैं. और आज बहुत ज़्यादा धूप नहीं है, cloudy day है आज. So और इग्नोर गई है उठते ही नानू के साथ दूध लेने, और साथ में उसको कुछ ना कुछ लेना होता है कि लॉलीपॉप या कुछ, वो भी उठते ही वो चली गई है. और रवनूर ये रही, से गुड मॉर्निंग. सो अभी अभी जस्ट नाउ ये उठे हैं. और कितना टाइम हो रहा है एग्जैक्ट? 9 o'clock होने वाले हैं. सो 8:45 मीन्स मैंने यही बोला ना कि 9 o'clock होने वाले हैं. सो चलिए, ये इनका भी रूटीन है, 8:30 9 o'clock ये उठ रहे हैं. मैं जल्दी उठाती भी नहीं हूँ क्योंकि उठने के बाद इन्होंने बाहर भागना होता है पार्क में. सो दैट्स वाई कि लेटे रहो, कोई जरूरत नहीं है जल्दी उठने की. और वो देखो वो देखो वो देखो 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 वो आ रहा है बच्चा, भागा 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 आगे 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 आगे. ये देखो ये देखो, कोई बात नहीं, आप अपने लिए आना. इनको पता नहीं दिन में ये कितनी बार जाते हैं मार्केट. आज कौन सी लाए हो? ग्रीन. सो ये इनका डेज इससे स्टार्ट होता है. सो कभी ऑरेंज, कभी येलो. येलो वाली कल ही, कल येलो लाए थे. ऑरेंज येलो लाई थी, येलो वाली मेरे को अच्छी नहीं लगी, मैंने इससे थोड़ी टेस्ट की थी. और आज ग्रीन. चलो ब्रश कर लो, दूध पी लो, खट्टा मीठा होती है, दूध पी लो, पिन्नी खा लो, एंड देन फिर ये अपना जो मर्जी करो, दूध पी खाओ 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 खाओ. सो चलो मम्मा. हाँ जी, हाँ पीछे छोड़ा है. चलो चलो जल्दी आओ, जल्दी जल्दी ठंड हो रही है. अंदर 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 चलो चलो, ब्रश करो जल्दी से. सो यहाँ पर मैं इस टाइम अंदर थी और एकदम से बाहर बच्चों के चिल्लाने की आवाज आई. मैं समझ गई थी कि मंकी आया होगा, आज तो एक आया है ना. बट यहाँ पर बंदरों का इतना आतंक है ना, इतने बंदर हो चुके हैं. जब हम छोटे होते थे ना तब बंदर, इवन पिछले 1-2 साल से ही ये हुआ है, ये इतने सारे आए हैं. पहले ये होते ही नहीं थे, पता नहीं कहाँ से ये आए हैं. अब तो यहाँ पर बहुत ज्यादा मंकीज हैं. अभी तो ये एक आया ना, नहीं तो पूरी की पूरी पलटन आती है इनकी. मतलब हम कुछ भी बाहर डाल नहीं सकते, कुछ भी बाहर सुखा नहीं सकते हैं. तो और कईयों के तो इन्होंने कपड़े भी, जैसे कई लोग यहाँ पे साड़ियां वगैरह अपनी डाल देते हैं सूखने के लिए, तो वो भी इन्होंने फाड़ी हुई है. मतलब फाड़ देते हैं और कपड़े भी फाड़ देते हैं लोगों के. तो बस वही बच्चे चिल्ला रहे थे इसे देख के. इनका तो एंटरटेनमेंट होता है बच्चों का डेली. और मैंने रखी हुई है किचन में कॉफी और बच्चों को, ये देखिए मेरी यहाँ पर कॉफी बन चुकी है. और बच्चों को देना था पॉमीग्रेनेट क्योंकि बच्चे बाहर खेलने चले गए थे. वो कहते हैं इस टाइम इनका कोई ना कोई फ्रूट टाइम होता है, तो बच्चे कह रहे थे कि हमें अनार दे दो. तो मैं बस यहाँ पर कॉफी पीने के बाद बच्चों के लिए अनार निकाल रही थी. और आज का कुछ प्लान ऐसा है कि मे बी मैं इनको आज लेकर निकलूं मार्केट में. तो बच्चों ने कुछ लेना है, बच्चों के लिए सामान लेना है. तो इवन जब से हम आए हैं तब से हम कहीं नहीं गए हैं, तो अभी तक का तो यही प्लान है कि मे बी मैं इन्हें लेके निकलूं. तो कैसे होता है, जा पाते हैं नहीं जा पाते, वो तो फिर बात की बात है, देखते हैं. Thank you.
क्या प्राइस है इसका नेल आर्ट का? 480। और जी ये वाली जो दिखाई थी मैग्नेट वाली, इसमें इससे छोटा है? मम्मा ये क्या है? ये बैट बॉल है बच्चे, यही है। इसका क्या प्राइस है? 490। और वो बॉल कितने की थी? कौन सी बॉल? वो ही वाली हॉपिंग, वो वही वाली बता दूंगा। ठीक, कितने की थी? हाँ जी, जो लेना है ना वो डिसाइड कर लो। मैं जाके पापा जी को दिखाऊंगी कि इन्होंने गोलगप्पे खाए, ठीक है? मुझे पता है आप कैसे दिखाओगे। सो गाइस, सबसे पहले तो ये देखो कि इनका कितने एक्साइटेड है, कितने खुश है। आर यू हैप्पी? यस। ये देखो हैप्पी इसलिए है, हॉपिंग बॉल ली एक नूर ने, दिखाना ये लास्ट कलर बचा था और कोई नहीं था और इसने लेना ही था। तो हाँ येलो तो बाहर हैंग किया हुआ था ना, यहाँ पे इसको हॉपिंग बॉल बोलते हैं बेटा। तो नहीं, चलो ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ये लिया। ये पॉपिट भी एक नून ने, उसके बाद इन्होंने लिए हैं, उसके बाद इन्होंने लिया है, ये है इनका पॉपिट। पॉपिट इन्होंने लिए हैं विद डाइस के साथ, ठीक है? जैसे इधर इधर डाइस गिराना है और उसके बाद थ्री आए तो थ्री पॉपअप करने हैं, वैसे आगे चलना है इन्होंने। तो ये इन्होंने लिया, दोनों शेयर करेंगे। उसके बाद एक गेम ली है, ये है मैग्नेट वाली गेम, मैग्नेट मैग्ना प्ले है ये। तो इसमें शेप्स वगैरह बनानी है, मैग्नेट ऐसी इकनूर की थी रवनूर के पास, बड़ो मिसप्लेस हो गई थी वो, इससे साइज छोटा था। और दूसरा इसने लिया है ब्यूटी स्पा नेल आर्ट है, प्लस 2-in-1 ब्यूटी सैलून है। तो ये नेल आर्ट भी है एंड और जो भी है, मीन्स ठीक है, ये ले आए हैं। रस्ते में इन्होंने खाने थे गोलगप्पे, इनको गोलगप्पे भी खा दिए। गुग्गू ने कितने खाए दही वाले? इकनूर ने 3 खाए, रोटी अभी तो रोटी खा के गए थे ना लंच करके, तब 3 खाए, अदरवाइज। हाँ जी देखो मैं कैसे हॉप कर सकती हूँ। बस 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 ये इग्नोर किया आप यहीं पे इसको, चलो अभी इग्नोर करके दिखाएगी। चलो नहीं लड़ो नहीं लड़ो नहीं, करो 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 इसको ऐसे। हम इतने एक्साइटेड हैं, हमने मार्क्स भी नहीं खोले। चलो 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 करो, ये देखो आ गया हॉप फ्रॉग, आ गया फ्रॉग। बस बस अरे 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 उछलो। चलो और अब थोड़े दिन के लिए इकनूर की साइकिल यहीं पे एज इट इज खड़ी रहेगी, बिकॉज इकनूर इसके साथ नहीं खेलने वाली। इकनूर करेगी अब हॉप 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 हॉप। ये दिन चलो स्टार्ट करो। आप ये सारी साइड आपकी मेरी है। 1 दीदी चलेगी ना, दीदी का 1 है, जिसका सबसे पहले पॉप सारे हो जाएंगे वो जीत जाएगा। ओके ये देखो आपके 4 आए हैं, 1, 2, 3 and 4, वेरी गुड। अब फिर से डाइस 1-1 करके, नो ये नहीं माना जाएगा। इकनूर के 2 1, 2, 3, 2 इकनूर आप अपने 2 करो, 2 वेरी गुड। बस 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 1, 2, 3, 4, 3 कर दिए। इकनूर चीटिंग नहीं करनी बेटा। चलो फिर से, सो चलो एंजॉय करो और मैं करती हूँ चेंज एंड देन बनाते हैं अगेन कॉफी, बिकॉज आज बाहर जैसे मैंने आपको दिखाया था कि बहुत ज्यादा अच्छी तरह से धूप नहीं निकली है, सो चलिए ठंड हो रही है और अभी थोड़ी देर रुक के मैं बनाती हूँ कॉफी, पहले चेंज कर लूँ। सो ये देखिए इकनूर का नेल आर्ट हो चुका है, इसने कर लिया है और देखो कितने खुश हो रहे हैं ये करके। अभी एक हैंड में किया, ऐसे नीचे दिखाना जरा क्या किया है,
ओ बटरफ्लाई वाला स्टिकर लगाए हैं, क्या लग रही हो आप? पता है मेरे को डर लग रहा है आपको देख के। आप मारोगे तो नहीं है मेरे? पूछ दिखाना, ऐसे करी थी और शो मी, ये देखा। अरे ऐसे मैं आपको ऐसे नोच, अरे नहीं दिखाओ, नोचना नहीं है मम्मा को। मैं दीदी को नोच, आपको अच्छा लग रहा है वैसे? अपने फेस पे रखना। ओह और दीदी का चल रहा है अभी, दिखाना दीदी जरा प्रोग्रेस अपनी। मेरी नीचे तो रखो, मेरी अच्छी नहीं लग रही। नहीं अच्छे लग रही है, करो तो सही। अभी मम्मा मेरे को इस वाले का बताना, ये नहीं, ये नहीं है, ये है। हाँ जी हाँ जी, और वो थंब वाले का। हाँ जी मम्मा, अभी तो इसको उतार दो बस, हो गया शौक पूरा। खराब हो गए ये पूरे, ग्लू भी खराब हो जाती है इनकी ऐसे। बस उतारने, अब हो गया, हो गया शौक पूरा नेल आर्ट का। चलो रखो, रिमूव करें। अगर ये नहीं उतरे तो उतर गया। रुको रुको रुको, ऐसे नीचे नहीं गिरो। ओके मत करना, लाओ आप आओ इधर आओ। उतर ही नहीं रहा। हो कोई बात नहीं, अब ऐसे ही रहना। कोई बात नहीं है, उतर जाएगा। अरे लाओ लाओ लाओ, रिमूव करो, उतर जाएंगे, हटो। ये क्यों डर रहे हो? ये लो चलो, ये चलो अब हैंड अच्छी तरह से क्लीन कर लो। इनको रहने दो यहीं पे ड्राई होने के लिए, फिर नेक्स्ट टाइम यूज हो जाएंगे। इनकी जो ग्लू है वो वेस्ट नहीं करना। सो अब इन्होंने ये अपनी मैग्मा वाली गेम खोल ली है, और सबसे अच्छी मुझे यही लगी है। और ये देखो यहाँ पे ये दिया हुआ है इसमें, ये 58 से ज्यादा मैग्ना प्ले है, मैजिकल मैग्नेटिक लर्निंग एंड प्ले, 58 कलरफुल मैग्नेटिक शेप्स हैं ये। और इकनूर बनाएगी अब इसमें से, ये देखो ये इकनूर ने बनाया है देख के। इकनूर मजा आया इसमें? यस, हमने पर ये हाँ जी मम्मा की हेल्प से इकनूर ने ये किया है। अब इकनूर बनाएगी, बता दिया ना ये ऐसे मैग्नेट है ना, ये ऐसे चिपक जाता है, ठीक है, शेप्स घुमानी नहीं। ये ऐसे इस स्टैंड पे हमने ये बोर्ड खड़ा कर दिया है, ठीक है। चलो ये अब नेल आर्ट उठा लो, अब ये कर लो, ठीक है। इसमें से देख के ये देखो कितनी सारी शेप्स हैं, ये देखो क्या कितने सारे हैं, क्या है ये, बर्ड बना सकते हो। हाँ जी ये क्या बेटा, ये देखो ये बोर्ड बनी हुई है, ये री बोर्ड। हाँ जी मैं बोलूं। सो इस टाइम आने के बाद कॉफी वगैरह पी के बच्चों को दूध वगैरह दे दिया था, और बच्चे चले गए बाहर खेलने। और इस टाइम मैं बना रही हूँ मटर मशरूम। सो मैंने ऑयल डाल दिया है, नॉर्मल बना रही हूँ। जैसे नॉर्मल अगर घर में आपको बनाना है, रेस्टोरेंट स्टाइल नहीं है, उसकी ग्रेवी थोड़ी अलग बनती है, तो आज मैं सिंपल ही बना रही हूँ। सो मैंने यहाँ पर ग्राइंड कर लिया था, चॉप कर लिया था जिंजर गार्लिक एंड प्याज ले लिया था मैंने, तो जीरा डाल के जिंजर गार्लिक हनी वो सब इकट्ठा मैंने डाल दिया है। और जब तक वो हो रहा है, पक रहा है मेरा मसाला, तब तक मैं कर लूंगी टमाटर। तो बिल्कुल सिंपल बना रही हूँ, बहुत अच्छी बनती है अगर आप इस तरीके से बनाते हो तो। सो बस यहाँ पर मेरे टमाटर भी हो चुके हैं चॉप, टमाटर को मैंने चॉप कर लिया। बिल्कुल फाइन प्यूरी नहीं बनाई है, जैसे मैंने आपको बताया अगर आप रेस्टोरेंट स्टाइल या ढाबा स्टाइल बनाते हो तो उसकी ग्रेवी थोड़ी अलग तरीके से बनती है। ये जो है ये वाली ग्रेवी नॉर्मल, हम जैसे भी कोई भी अगर आप तरी वाली सब्जी बनाते हो उसमें जो बेसिक सी चीजें डलती हैं, तो उसी के हिसाब से मैं बना रही हूँ। सो यहाँ पर मेरा प्याज बिल्कुल अच्छी तरह से हो चुका है, और मैं यहाँ पर मसाले डाल दूंगी। मसालों में मैंने कुछ भी नहीं डाला है एक्स्ट्रा, सिर्फ मैंने नमक डाला है, हल्दी डाली है एंड धनिया पाउडर डाला है थोड़ा सा, दैट्स इट। और ये पकने के बाद अब मैं डाल दूंगी इसमें टमाटर, तो टमाटर को भी मुझे अच्छी तरह से पका लेना है। सो बस यहाँ पर मेरे टमाटर अच्छी तरह से जब पक जाएंगे, तो इसको मैंने ढक के रख दिया था, अब यहाँ पर मेरे टमाटर अच्छी तरह से पक चुके हैं, और अब मैंने इसमें डाल दिया है मटर। मटर को भी अच्छी तरह से पकाऊंगी इसमें। जब मैं मटर मशरूम बनाती हूँ ना, तो मटर को मैं अलग से पका लेती हूँ पहले, तो मशरूम एक साथ नहीं डालती हूँ। यहाँ पर मेरे को मशरूम करने हैं फ्राई, सो बहुत अच्छे लगते हैं। मैंने पहले हल्का सा ऑयल डाला है, और उसके बाद मैंने मशरूम डाल दिए थे बीच में, और अब उसके बाद मैंने डाला है बटर। और इस तरीके से जब आप बटर एंड मशरूम का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होता है। सो जब भी आप मटर मशरूम नॉर्मल सिंपल तरीके से बना रहे हो तो ऐसे जरूर करना। तो बस यहां वहां पर मेरे साइड बाय साइड मटर बन रहे हैं, मटर थोड़े से पक जाएंगे, और उसके बाद मैं इसी में ही मटर ऐड कर दूंगी, अपनी ग्रेवी ऐड कर दूंगी। यहां पर मेरे मशरूम बटर के साथ बहुत अच्छे, इस टाइम स्मेल बहुत अच्छी आ रही थी, मैं बता नहीं सकती हूं। सो बस यहां पर मेरे मटर भी हो चुके हैं, वो मैंने डाल दिए हैं, देखिए आपने डाल दी है मैंने ग्रेवी यहां पर, दैट्स इट। सिर्फ हार्डली 1 या 2 मिनट के लिए पकाऊंगी, और मेरी सब्जी बनकर तैयार है यहां पर।
अगर आप इसमें थोड़ा सा और फ्लेवर चाहते हो तो कसूरी मेथी डाल सकते हो। मेरे पास कसूरी मेथी नहीं थी तो मैंने गरम मसाला और धनिया डाल दिया है। और इस इस टाइम हमारा डिनर हो चुका है एंड डिनर में आज बनाई थी मटर मशरूम की सब्जी एंड बिलीव मी बहुत टेस्टी बनी थी। और काढ़ा पी लिया है और बस बच्चे यहाँ पर ये देखो दिखा रहे हैं कि हम सो गए हैं बट सोए नहीं है। ये गुगु ड्रामा कैसा लगा मेरे मजाक देखा ये सोए नहीं है ये दिखा रहे थे ये कह रहे थे कि हम ना आप दिखाना कि हम सो गए हैं पर हम बोलेंगे फिर गाइस को कि कैसा लगा हमारा मजाक। ये अभी कार्टून देख रहे हैं हमारा काढ़ा हमने पी लिया है और मीन्स डन है इस टाइम। बस थोड़ी देर बच्चे कार्टून देखेंगे उसके बाद हम सो जाएंगे। और आज इन्होंने बहुत मस्ती करी मेरे हैंड यहाँ पर और आज मैंने लेके गई थी मार्केट कालका जी हम गए थे तो सामान लेकर आए हैं बच्चों ने दिखा दिया है और बहुत ज्यादा आज ये सुपर डुपर एक्साइटेड थे जब ये जा रहे थे है ना मजे आए ना। और ये इकनूर तो तब से हॉप कर रही है मेरे को लग रहा था हॉप कर करके ये कहीं ऊपर छत को ना टच कर दे इतनी तेज तेज हॉप करके। पॉपेट वाली लूडो भी आ गई है तो पॉपेट पॉपेट इनको चाहिए था। सो चलिए सो आज का दिन कुछ ऐसा निकला और ज्यादा हम बाहर कहीं नहीं जा रहे हैं अभी। बच्चों ने अपने छोटे नानी हाउस जाना है और मासी हाउस जाना है बट अभी हम नहीं गए हैं कहीं पे भी अवॉइड कर रहे हैं बाहर जाना। तो आज मैं जिस दिन से आई हूँ आज मैं इन्हें लेकर निकली थी और इनको ये सामान लेना था और वो इन्होंने ले लिया है एंड बस सो चलिए ज्यादा बातें नहीं करनी है एंड आज के इस व्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। इफ यू लाइक दिस वीडियो सो गिव थम्स अप लाइक कमेंट एंड शेयर एंड मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय एंड गुड नाइट।